नमस्कार बच्चों, आओ इस वीडियो के माध्यम से हम जोड़ने या घटाने की क्रियाओं को एक बार फिर से दोहराते हैं। पिछली आप अपने गणित की पुस्तक हंसते खेलते पुस्तक में से चैप्टर जोड़ने या घटाने की क्रियाएं आप कर चुके हैं। आओ यहाँ पर वस्तुओं गिनते हैं, लिखते हैं और फिर कम करते हैं। देखो यहाँ पर कितनी बटरफ्लाई है, 1 2 3 4 5, लिखो यहाँ पर 5 बटरफ्लाई। ठीक है, अब देखो ये कुछ बटरफ्लाई, अब कितनी बटरफ्लाई उड़ गई, देखो ध्यान से देखो, 1 2, यानी कि 2 उड़ गई, यानी कि 2 यहाँ पे कम हो गई। गिनो पर लिखो 1 2 3, 3 बच गई, तो यहाँ पर लिख दो 3। समझ में आया कुछ आपको? इस प्रकार से आपने वस्तुओं को गिनकर लिखना है। अब यहाँ पर देखो फूल कितने बच्चों, 2 1 2, यानी कि 1 2। इसमें से एक फूल मैंने यहाँ पर उड़ा दिया, खत्म कर दिया, किसी को दे दिया, कितना दिया, एक फूल कम कर दिया, तो कितना बच गया, एक बच गया, यानी कि 2 में से एक कम कर, 2 है ना ये, एक कम कर दिया, एक बच गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी 5 वस्तुएं थी, 1 2 3 4 5, हमने 2 कम कर दी, 1 2, तो कितनी बच गई हमारे पास, 3 बच गई, 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर देखिए आप कितने फूल दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3, 3 फूल है ना, 3 फूल में से मैंने ये हरे रंग का फूल यहाँ से हटा दिया, ये किसी को दे दिया मैंने, मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से, एक फूल को मैंने यहाँ से हटा दिया, तो कितना कम कर दिया मैंने, एक कम कर दिया ना, घटा लिखेंगे एक। अब कितने बच्चे गिनकर लिख सकते हैं आप, हमारे पास फूल थे 1 2 3, इनके आप फूलों के स्थान पर डंडे लगा सकते हैं, और एक कम कर दिया तो कितने बच गए, 2 बच गए। समझ में आया आपको? यहाँ पर चित्र देखिए, ये गोला कितना है, गोला 1 है, ये गोला मैंने यहाँ से हटा दिया, एक ही हटा दिया, एक था एक ही हटा दिया, तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि शून्य है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, शून्य बच गया। शून्य की अवधारणा है ये, शून्य होता है बिल्कुल रिक्त स्थान। अब यहाँ पर देखिए आप, 1 2 3 4, गोले और चकोने कितने हैं यहाँ पर, 4 है, तो इसको 4 को ऐसे 4 लिखेंगे। यहाँ पर मैंने एक चकोना हटा दिया, 2 चकोने मैंने खत्म कर दिए यहाँ से, तो कितने कम कर दिए, 2 चकोने, 2 का अंक लिखेंगे आप। कम करना, ये कम करने का निशान है, मिलाने का निशान ये होता है, जोड़ना जिसको कहते हैं, जोड़ना या मिलाना, इंग्लिश में ऐड कहते हैं इसको, और ये चिन्ह है घटाना का, घटाना यानी कम करना, इंग्लिश में इसको सबट्रैक्ट कहते हैं, SUBTRACT, सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कैसे करेंगे, 4 थे हमारे पास, 1 2 3 4, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 1 2, तो कितने बच गए, 2 बच गए ना, 2 को यहाँ लिख दिया। इस प्रकार से आप घटाने की क्रियाओं को कर सकते हैं, इसी प्रकार आप जोड़ भी सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसी उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये 2 है ना आपके पास, कितने हैं ये, 2, चलो इसमें कुछ मिलाते हैं, ये आपके पास 2 है, चलो 2 में 2 और मिला देते हैं, 1 और ये 2, पहले से 2 मैंने मिला दिए, 2 और, तो कितने हो, गिनो, 2 थे, 2 और मिला दिए, अब सभी इकट्ठे गिन लो, 1 2 3 4, 4 हो गए, ये मिलाना है, ये जोड़ना और ये घटाना कम करना, इसको मिलाना कहते हैं, दोनों को मिलाकर इकट्ठा गिन देते हैं। यहाँ पर गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8, 8 लिखना आपको आता ही है, 8 में से हमने ये 2 कम कर दिए, ये 2 है ना, देखो 2 कम कितने किए हमने, 2, कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 बच गए। इस प्रकार से आप कम करने की क्रिया को करें। यहाँ पर इसको गिने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितने हैं ये, 9, मैं यहाँ पर 3 कम कर रहा हूँ, देखो 1 2 3 कम किया मैंने, एक ही लाल वाला, एक ही नीले वाला और एक ही पीले वाला, ब्लू कलर, ये येलो कलर और रेड कलर, 3 मैंने कम कर दिए, तो 3 को ऐसे लिखेंगे, कम करने का निशान ये है हमारा। अब बाकी बताओ कितने बचे, गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6, ये बच गए 6। इस प्रकार से अपनी वस्तुओं को लिखते जाओ, गिनकर कम करते जाओ, और मिलाते जाओ और जोड़ करते जाओ, ये क्रियाएं आपने करनी है।